बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुल्क के सूबा सिंध का एक 40 साल नौजवान का ताल्लुक हिंदू घराने से था। इसको कैंसर का मर्ज लाहिक हुआ। डॉक्टरों ने ला इलाज कहकर जिंदगी खुशी से गुजारने का मशवरा दिया और कहा कि अब आप ज्यादा से ज्यादा एक माह के मेहमान हो। वो हारे हुए जुवारी की तरह अपने कमरे में दाखिल हुआ और बेड पर लेट गया कि अब मैं कुछ ही लम्हों का मेहमान हूँ। बीवी इसके साथ प्यार मोहब्बत की बातें करने लगी, लेकिन मियाँ की अदम दिलचस्पी बांप गई। इसरार करने पर शोहर ने बताया कि इसको ब्लड कैंसर है जो आखिरी स्टेज पर है। बीवी ने यह सुना तो मुस्कुरा कर बोली, आप ऐसे ही परेशान हो रहे हो, ब्लड कैंसर भी कोई बीमारी होती है भला। मैं आपको एक ऐसी चीज पिला सकती हूँ जिसके पीने से आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो सकते हो, लेकिन मेरे साथ एक वादा करना होगा। आप जब भी सेहतयाब होंगे तो जो मैं कहूंगी वो आपको करना पड़ेगा, चाहे आपकी रजा हो या ना हो। बोले, आप तैयार हैं? शोहर हैरान हुआ कि जिस बीमारी का इलाज दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं, इसका इलाज मेरी बीवी के पास कहां से आ गया? इसके साथ कौन सा आला दीन का चिराग लग गया? शोहर ने ना चाहते हुए वादा किया। बीवी ने कहा, ठीक है, आप यही ठहरें, मैं अभी आई। कुछ लम्हे बाद इसकी बीवी आई तो इसके साथ एक जग था। इसने कुर्सी पे बैठकर शोहर को कहा कि आपको जब भी प्यास लगे आपने यही पानी पीना है, दूसरा कोई भी पानी नहीं पीना। वो नौजवान जब भी प्यास महसूस करता तो इसी जग से पानी पीता और बीवी रोज इस जग में पानी डालकर भरा रखती। बीवी को न जाने क्या एतमाद था कि इसको शोहर के आखिरी स्टेज के कैंसर की जरा भी फिक्र ना थी, बल्कि वो कैंसर को कोई मर्द ही नहीं समझ रही थी। इसके शोहर को रह रहकर ख्याल आ रहा था कि एक महीना बाद इसकी मौत हो जानी है और अब जिंदा रहने का कोई चांस नहीं। कुछ दिन गुजरने के बाद इस नौजवान ने खुद में वाजिया तब्दीलियां महसूस की। एक माह गुजर गया तो वह हैरान हुआ कि बकौल डॉक्टर वो तो एक माह का मेहमान था। वो खुद को सेहतमंद महसूस करने लगा। लेबोरेटरी जाकर टेस्ट कराया तो एक हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ कि आपका तो ब्लड कैंसर खत्म हो चुका है। इस इंकशाफ से इस नौजवान को बहुत हैरानी हुई। वो जल्दी से रिपोर्ट्स लेकर दूसरे लैब गया तो वहाँ भी यही जवाब मिला कि आपका तो कैंसर ही खत्म हो चुका है। इसने चार अलग अलग लैब से टेस्ट करवाया और यही नतीजा आया कि आपका ब्लड कैंसर खत्म हो चुका है। वो दौड़कर घर आ गया और बीवी को झूम कर कहा कि इसके पानी ने तो कमाल कर दिया। वो इस पानी पीने के बाद खुद को मुकम्मल तौर पे सेहतमंद महसूस कर रहा था और लैब की रिपोर्ट्स भी यही कह रही है कि अब आपका कैंसर खत्म हो चुका है। अगले रोज बीवी ने मियाँ को वादा याद दिलाया तो शोहर ने पूछा कि बिल्कुल, मैं हर वादा पूरा करूंगा, आप बोलो तो सही, आप मुसलमान हो जाओ। बीवी ने कहा तो शोहर को बिजली का एक झटका लगा। मुसलमान, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने ये लफ्ज कैसे बोला? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मुसलमान बनाने की? क्या तुम मुसलमान हो? हाँ, मैं मुसलमान हूँ, बीवी ने कहा, लेकिन मुझे तो बताया गया था कि तुम हिंदू हो, तुम्हारा तो पूरा खानदान हिंदू है, फिर तुम कैसे मुसलमान हुई? शोहर ने कहा, पहले आप अपना वादा पूरा करें, अगर वादा पूरा करेंगे तो सब बता दूंगी, वरना नहीं बता सकती। शोहर ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, मैं मुसलमान होने को तैयार हूँ। इसके शोहर ने गुस्ल किया, बीवी ने पास बिठाया और कहा, पढ़िए कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और यूं इस नौजवान ने इस्लाम कबूल किया। बीवी ने कहा, जब मैं छोटी थी और स्कूल जाया करती थी तो इस वक्त मेरी एक क्लास फेलो थी, वो मुसलमान थी, हम दोनों में दोस्ती बहुत गहरी थी। स्कूल के बाद मैं इसके घर जाती थी, दोनों मिलकर स्कूल का काम करते, वो रोजाना कुरान पाक की तलावत करती तो मैं भी पास बैठ जाती, कुरान आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में उतरने लगा। यूं एक दिन कुरान दिल में उतरा कि मैं 15 साल की उम्र में चोरी छुपके से मुसलमान हुई। मैं मुसलमान होकर खुद के अंदर सुकून महसूस करने लगी, कुरान पढ़े बिना चैन नहीं आता था। आपके साथ शादी हुई तो यहाँ भी चोरी से कुरान पढ़ती रही,
जिंदगी के इतने साल आपसे अपना ईमान और अपना कुरान छुपाए रखा, बिलाखिर आप बीमार हो गए और दवाइयों ने काम ना किया। मुझे इस बात का मुकम्मल यकीन है, जहां दवाइयां काम नहीं आती वही अल्लाह का कलाम पाक काम आता है, और ये कुरान सीने की बीमारियों के लिए दवा है। यही अल्लाह ताला ने फरमाया है, जब आप जिंदगी से ना उम्मीद हुए और खुद को मरने के करीब पाया तो मैंने कुरान की यही आयत पढ़ पढ़ कर पानी पर दम किया और यूं अल्लाह पाक ने आपको नई जिंदगी दी। मेरे दोस्तों, हम तो कुरान पाक की बरकतों से वाकिफ ही नहीं, अगर हमें यकीन के साथ इसकी बरकतों का इलम हो जाए तो हमको कहीं जाना ही ना पड़े, लेकिन अफसोस कि हमारा यकीन कामिल नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें।